हे गाइस, मेरा नाम है प्रवीण और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इमोजीज की पांच ऐसी अमेजिंग ट्रिक के बारे में जो शायद आपको इस वीडियो से पहले पता ना हो। इन सारी ट्रिक्स को यूज करके आप अपने व्हाट्सएप में इमोजीज की साइज को बढ़ा सकते हो, वॉइस इमोजी क्रिएट कर सकते हो और साथ ही साथ फ्रेंड इमोजीज की मैसेजेस क्रिएट करके आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेजकर उसे इम्प्रेस भी कर सकते हो। सो वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है फ्रेंड, वीडियो को कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप जब भी किसी को भी व्हाट्सअप पर इमोजी शेयर करते हो तो वहाँ पर आप जो भी इमोजी शेयर करते हो वो फ्रेंड काफ़ी छोटी होती है। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से फ्रेंड आप अपने व्हाट्सअप में कुछ इस तरीके के बड़े इमोजीज को सेंड कर सकते हो। तो इस ट्रिक के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हो इसे। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के इमोजी की पैक्स देखने को मिल जाएगी। आपको करना यह है कि आपको जिस भी इमोजी को ऐड करना है अपने व्हाट्सअप पर, तो सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन मिल जाता है। आपको जो भी इमोजी को ऐड करना है आपको सिर्फ उस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड ये करने से इमोजी आपके व्हाट्सअप पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको अपने व्हाट्सअप को ओपन करना। तो गाइस, व्हाट्सअप ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको नीचे में इमोजी वाले ऑप्शन पे चले जाना। इसके बाद फ्रेंड आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। सो गाइस, अब आप देख सकते हो आपने जो इमोजी ऐड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। आप फ्रेंड आपको सिंपली से इसे सेंड कर देना आप जिसे भी सेंड करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो ये इमोजी है वो काफ़ी बड़ी बड़ी साइज की है जो कि देखने में भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। सो इस तरीके से फ्रेंड आप किसी को भी बड़े साइज की इमोजी सेंड कर सकते हो। तो बढ़ते अपनी अगली ट्रिक की और। सो गाइस, आपने व्हाट्सअप पर इमोजी तो काफ़ी शेयर किया होगा, बट क्या आपने वॉइस वाली इमोजी का भी शेयर किया है? आपने नहीं किया होगा तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से फ्रेंड आप वॉइस वाली इमोजी सेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड को। इसके लिए फ्रेंड आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा अपने फ़ोन में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो उस ऐप को। फ्रेंड आपको उस ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरीके से इमोजीज की वैरायटी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी वैरायटी है, जैसे फनी की है, लव की है, न्यू की है। आपको यहाँ से कोई एक इमोजी सेलेक्ट कर लेना। सपोज मैं यहाँ पे फनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो काफ़ी सारे इमोजी यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्ले का बटन मिलता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से ये इमोजी वॉइस देता है जो कि देखने में काफ़ी कूल सा लग रहा है। यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो बूम, काफ़ी यूनिक इमोजी भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ फ्रेंड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लव वाले इमोजी भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी यूनिक काफ़ी अच्छे इमोजीज हैं। तो गाइस, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हो और इमोजी शेयर करते हो तो इस टाइप की अगर आप इमोजी शेयर करते हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को काफ़ी इम्प्रेस कर सकते हो, कि गर्लफ्रेंड हो सकता है काफ़ी इम्प्रेस हो जाए आपसे। फ्रेंड आपको जो भी इमोजी शेयर करना तो आपको सिंपली से उस इमोजी पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको सिंपली व्हाट्सअप पे सेलेक्ट कर देना। व्हाट्सअप सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको उस नंबर को सेलेक्ट कर देना और यहाँ से सेंड के बटन पे क्लिक कर देना। तो गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये इमोजी सेंड हो चुका है। और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वॉइस वाली इमोजी आप सेंड कर सकते हो अपने व्हाट्सअप में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक। सो गाइस, इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने व्हाट्सअप में आर्ट वाली इमोजी बनाकर किसी को भी सेंड कर सकते हो जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको खुद से ऐसी इमोजी वाली मैसेजेस क्रिएट नहीं करना। आपको बस एक ऐप इंस्टॉल करना होगा अपने फ़ोन में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपको उस ऐप का। पर फ्रेंड आपको काफ़ी सारे यूनिक आर्ट इमोजीज देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर फ्रेंड काफ़ी सारे डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर हाउस गोल की है, ड्रिंक की है, इसके साथ साथ फ्रेंड यहाँ पर स्टॉप ड्रिंकिंग की है और स्ट्रॉमिंग की है, एंकर की है और काफ़ी सारे आपको आर्ट वाले इमोजीज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो मैन एंड वूमेन किंग की है। तो इसे शेयर करने के लिए फ्रेंड यहाँ पर आपको मिलते हैं तीन ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो भी इसे शेयर करना है डायरेक्ट व्हाट्सअप पर सेंड कर सकते हो, या फिर इसे कॉपी करके कहीं और शेयर कर सकते हो। अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म में शेयर करना है लाइक फेसबुक व्हाट्सअप पे, तो आप शेयर वाले बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से फ्रेंड किसी को आप जहाँ चाहते हो वहाँ शेयर कर सकते हो। बट फिलहाल मुझे इसे व्हाट्सअप पर शेयर करना, तो मैं इसे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा उस नंबर को एंड फ्रेंड सेंड कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये आर्ट वाली इमोजीज जो कि देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, आप ऐसी मैसेजेस क्रिएट करके सेंड कर सकते हो। सो बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की और। ओके, सो इस ट्रिक को यूज़ करके फ्रेंड आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट किया इमोजी वाली, जहाँ पर फ्रेंड मैंने इंडिया लिखा। यहाँ पर फ्रेंड आप चाहो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकते हो और उसे ऐसी मैसेजेस क्रिएट करके सेंड कर सकते हो जो कि देखने में काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है। वैसे इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप
डाउनलोड कर लेना इस ऐप को। यहाँ पर फ्रेंड आपको सिंपली से उस मैसेज को टाइप करना जो कि आप मैसेज क्रिएट करना चाहते हो उस नाम का। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई लव यू, यहाँ पर मैंने आई लव यू लिखा। आप चाहो तो यहाँ पर आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको कोई भी चेंज करना, कोई स्पेसिफिक इमोजी यहाँ पर ऐड करना किसी मैसेज पे, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड अगर आप इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और गाइस अगर आपको इसे सेंड करना है व्हाट्सअप पे तो यहाँ पर आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक करना, मैसेज को कॉपी कर लेना एंड फ्रेंड आपको अपने व्हाट्सअप को ओपन करना। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली से उस मैसेज को पेस्ट कर देना है यहाँ पर एंड फ्रेंड शेयर के बटन पे क्लिक करके शेयर कर देना। सो आप फ्रेंड देख सकते हो जो मैसेज मैंने क्रिएट किया था आई लव यू का वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ, जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का मैसेज क्रिएट करके अगर उसे भेजते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड काफ़ी इंप्रेस हो जाएगी आपसे। सो लेट्स कम टू आवर लास्ट ट्रिक। तो गाइस इस ट्रिक को यूज़ करके आप कुछ इस तरीके से हार्ट वाली इमोजी, हार्ट एनिमेशन वाली इमोजी सेंड कर सकते हो। और इसके लिए फ्रेंड आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली व्हाट्सअप पर इमोजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड फ्रेंड यहाँ से आपको सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना। यहाँ पर फ्रेंड आपको काफ़ी सारे दिल वाली इमोजी देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड अगर आप किसी और हार्ट वाली इमोजी को सेंड करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ किसी भी इमोजी पर एनिमेशन नहीं हो रहा और ना ही उस इमोजी का साइज बढ़ रहा। बट गाइस अगर आप इस रेड वाले हार्ट को किसी को सेंड करते हो तो आप देख सकते हो फ्रेंड इस इमोजी पे काफ़ी सारे एनिमेशन हो रहा और साथ ही साथ इमोजी की साइज भी काफ़ी बड़ी है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा। आप इसे इमोजी को डबल किसी को सेंड करते हो तो इस इमोजी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना ही इसका साइज बढ़ेगा। बट अगर आप सिंगल शेयर करते हो किसी को तो आप देख सकते हो फ्रेंड उस इमोजी की साइज भी बड़ी हो रही है और साथ ही साथ उस पर एनिमेशन भी आपको देखने को मिल रहा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में भी। सो गाइस यही थी हमारी आज की ये वीडियो। आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई, कोई भी ट्रिक अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सअप पर। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मुझे सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकूं लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दें ताकि आपको हमारी हर एक नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। सो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।